हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आई एम अ होम बेकर एंड यू आर वाचिंग बेक मी। सो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी एंड इजीएस्ट रेसिपी शेयर करूँगी बटर क्रीम की विद जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स। इट इज़ कॉल्ड रशियन बटर क्रीम। इट विल टर्न सो डिलीशियस, सिल्की स्मूथ, फ्लफी एंड परफेक्ट बटर क्रीम फॉर योर केक्स, कपकेक्स एंड फॉर मैनी अदर डिज़र्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इन्ग्रीडियंट इज़ बटर। बटर मेक श्योर के अनसॉल्टेड हो, रूम टेम्परेचर पे हो एंड सॉफ्टन हो। इससे आपकी जो बटर क्रीम है वो बहुत स्मूथ, सिल्की, फ्लफी एंड सॉफ्ट बनेगी। मेक श्योर के जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करें, ताकि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, फ्रॉस्टिंग है या डिज़र्ट है या कोई भी बेकरी की चीज़ है, वो एग्जैक्टली वैसे ही बने और उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सो इसको मैंने स्लो टू मीडियम एंड मीडियम टू हाई स्पीड पे बीट किया था अनटिल अनलेस कि इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और उसका जो कलर है वो जेंटली चेंज होता जाएगा और आपको ख़ुद फील होगा कि ये इसका जो टेक्सचर है वो हार्ड से स्मूथ की तरफ जा रहा है। और स्क्रैबर के साथ आपने साइड्स को क्लीन करते जाना है ताकि जो सारा बटर है वो इक्वली बीट हो। इस प्रोसेस पे मुझे 6 to 8 मिनट्स लगे थे एंड अप्रॉक्स इतने ही मिनट्स लगते हैं एक परफेक्ट टेक्सचर आने में। यू कैन सी कि जैसे जैसे इसको मैं बीट कर रही हूँ और स्क्रैप कर रही हूँ, जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो सॉफ्ट एंड क्रीमी होती जा रही है एंड इट्स टेस्ट इज़ अमेजिंग। मस्ट ट्राई दिस, आई एम श्योर यू विल लव इट। यू जस्ट लुक एट द क्रीमी टेक्सचर। जो जो लोग मुझे कहते हैं कि उनकी बटर क्रीम सही नहीं बनती, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उसको कुछ बटर क्रीम्स पानी छोड़ देती हैं, तो सेम रेसिपी एंड सेम टिप्स के साथ फॉलो करें इस रेसिपी को, यू विल लव इट। और ये अमेजिंग है, एग्जैक्टली यही आपकी सेम जो है वो कंसिस्टेंसी बनेगी बटर क्रीम की और बहुत परफेक्ट है टेस्ट में भी। सो द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इज़ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आपकी बटर क्रीम को स्वीटन रखेगा और इसकी जो थिकनेस है, कंसिस्टेंसी है, उसको मेंटेन रखेगा। एंड येस विल ऑल्सो रिच द फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ योर बटर क्रीम। सो या अगेन इसको मैं 6 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई स्पीड पे बीट करूँगी अनटिल जो इंग्रेडिएंट्स हैं दोनों वो प्रॉपर्ली कंबाइन हो जाएं। और स्क्रैप ज़रूर करना है, साइड्स को क्लीन करना है, इस स्टेप को स्किप नहीं करना है, इस स्टेप को इग्नोर नहीं करना। यू कैन सी द फ्लफीनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ दिस क्रीम। बटर की पहले कंसिस्टेंसी क्या थी और अब क्या है। लास्ट 2 मिनट्स में मैं इसको स्लो स्पीड पे बीट करूँगी। वीडियो में आपको थोड़ा सा फास्ट नज़र आ रहा है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी वीडियो, जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और जो सारे मेन स्टेप्स थे इम्पॉर्टेंट वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जो एक्स्ट्रा था वो मैंने स्किप कर दिया था वीडियो में से। लास्ट में इसको स्पैचुला के साथ मिक्स करना है। यू कैन सी द सॉफ्टनेस जब मैं इसको फिंगर के साथ टच कर रही हूँ, इसकी सॉफ्टनेस और इसकी स्मूथनेस कितनी परफेक्ट है। सो या इसको आप एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज़र में 6 मंथ्स के लिए कर सकते हैं स्टोर एंड 1 वीक इज़ मोर देन इनफ इन फ्रिज। सो या सिल्की स्मूथ बटरी क्रीमी बटर क्रीम इज़ रेडी। इट्स अमेजिंग, मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर अमेजिंग वीडियो एंड रेसिपी। And yes, subscribe my channel if you don't, and press the bell icon and give me your feedback in the comment box. See you next time. Allah Hafiz.